आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफीवॉक्स 100 mg दवाई के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल जानेंगे, हर बारीकी को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह आए हैं। बस इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से देखें, आखिरी तक देखें, मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिफीवॉक्स दवाई के बारे में बात करें तो ये एक दवाई की ब्रांड है। इस दवाई को बनाता है डॉक्टर रेड्डी और इसके अंदर जो कंपाउंड आता है वो होता है सिफेक्सिम। अब देखिए, सिफेक्सिम जो होता है वो अलग अलग ब्रांड द्वारा बनाया जाता है। टैबलेट में सिफेक्सिम आता है लेकिन जो नाम है, ब्रांड का नाम है, वो अलग अलग आता है। जैसे इस केस में सिफिक्स है, इस केस में सिफ्लिटॉप है और इस केस में सिफीवॉक्स है, जो कि हम आज इसके बारे में समझेंगे। तो सब में सिफेक्सिम आता है तो सब में कॉमन चीज़ होती है, सबका जो एक्शन है वो सबका सेम रहेगा, एक्शन में कोई कमी नहीं रहती। एक्शन जैसा हर दवाई का है वैसा ही एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो कंपाउंड है वो सब में सेम होना चाहिए सिफेक्सिम। और देखिए, मार्केट में प्राइस की बात करें इस सिफीवॉक्स की तो तकरीबन 67 रुपीज की ये जो टैबलेट है जो आती है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे उपयोग, क्योंकि देखिए जब भी डॉक्टर पेशेंट को दवाई लिखता है, देखिए ये जो दवाई होती है वो एक एंटीबायोटिक दवाई होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। अब देखिए, शरीर में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ज्यादातर केसेस में फीवर देखने को मिलता है, इवन सर्दी जुकाम भी देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करते हैं, सिफीवॉक्स का या फिर सिफेक्सिम का। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे निमोनिया है, सांस की नली में जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें इस दवाई का उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसमें इसका उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा कान में, नाक में और गले में और काफी हद तक जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनमें भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो ओवरऑल जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है पूरे शरीर में तो सिफेक्सिम दवाई का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। देखिए, बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। देखिए, कई बार डॉक्टर से खुद ही पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए ये दवाई क्या करती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस पर अटैक करती है। आप देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है हमारे शरीर में वो पूरा का पूरा निर्भर होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पर। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिफेक्सिम द्वारा, इस दवाई द्वारा जो है नष्ट की जाती है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो शरीर में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है। देखिए, बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। देखिए, कई बार क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि देखिए कुछ साइड इफेक्ट जो है वो आपको बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जीव घबराना होता है, थोड़ा उल्टी का मन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं केसेस में डायरिया भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, इस दवा को लेने के बाद में कुछ भी चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, ये जो दवाई होती है वो जो एक बैक्टीरिया होते हैं एनारोब बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट कम काम में आती है क्योंकि इनका जो असर है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि किसी को किडनी की बीमारी है तो इस दवाई का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और जो डोज है, रेगुलर जो डोज है उससे कम देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है किडनी की बीमारी में ये दवाई जो है हमारे शरीर में जमा हो सकती है और जो साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे सीजर्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा यदि पेनिसिलिन से एलर्जी है किसी को और पहले ये एलर्जी हुई है तो इस दवाई का, सिफेक्सिम दवाई का उपयोग या फिर सिफीवॉक्स दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंभीर एलर्जी जो है देखने को मिल सकती है इस दवाई के द्वारा। तो ये था सिफीवॉक्स दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।